एडवांस एक्सेल में धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो यहाँ आज हम आपके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सॉर्टिंग, सॉर्टिंग सॉर्टिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, साथ में आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा जो कि आपको अभी करके भेजना है, राइट। तो सॉर्टिंग क्यों करते हैं? सॉर्टिंग करने के पीछे का पर्पस होता है डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर, राइट। अब जैसे एग्जांपल कि आपके ऑफिस में मान लीजिए एक लिस्ट लगा, आपको लिस्ट में अपना नाम देखना है। तो अगर मान लीजिए कि कल के डेट में कैसे चेक करेंगे आप, क्योंकि अगर हम उसको अगर ऐसे ही रैंडम हुआ तो आपको जब तक आपका नाम मिल ना जाए तब तक आपको चेक करना होगा क्या? लेकिन वही अगर आपके नाम के अल्फाबेट से, आपके रोल नंबर के सीक्वेंस से अगर है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इजीली उसको कर लेंगे। उसी तरह से तो ऑफिस में तो ऐसे कुछ लिस्ट होती नहीं है, तो क्या करें? जैसे आपके सामने दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे किसी ने बॉस ने पूछा एक काम करो, मुझे हाईएस्ट 5 जो है प्रॉफिट वाले बंदे सेल्स दे दो। तो यहाँ आप जाएंगे और सिंपल क्या करेंगे, शॉर्ट Z to A, और यहां से फाइल को उठा लेंगे क्या? इस तरह से आप टॉप बॉटम को भी उठा सकते हैं। अब मुझे अगर शॉर्ट करना है किसी एक के अकॉर्डिंग, हमारे आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट, आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो जस्ट यहां मैं लिखूंगा इफ यूजर। डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट कब करना पड़ेगा? जब हमें दो या दो से ज्यादा, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मान लीजिए कि हम चाहते हैं स्टेट वाइज और रीजन वाइज सॉर्ट कर, राइट। ऐसे केस में मुझे कस्टम सॉर्ट पे जाना। जब कस्टम सॉर्ट पे आएंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ माई डेटा हैज ए हेडर जो है ना वो क्लिक होना चाहिए, ठीक है। माई डेटा हैज ए हेडर जो है क्लिक होना चाहिए, ठीक है। उसके अगर क्लिक ना हो तो क्या होगा, यहाँ पे कॉलम 1 2 3 आएगा, आपके हेडिंग नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि मुझे सिलेक्ट करना है स्टेट, और फिर एड लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं अपना रीजन, और यहाँ पे A to Z और Z to A सिलेक्ट करके मैंने ओके कर डेटा, देखिए शॉर्ट, ठीक। इसमें हाँ मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास में कॉल कर सकता हूँ, सॉरी सर। इसमें ये नॉर्मल चीजें हैं, अब जैसे कि यहाँ पे मैं ले लिया मंथ, मंथ में जैन करता, तो
मुझे स्कोप मंथ के हिसाब से सॉर्ट करना, क्या होगा अगर मैं सॉर्ट ए टू जे करूँ तो अप्रैल पहले आएगा, फिर दिसंबर आएगा, जनवरी नहीं आएगा ना। ठीक है तो कैसे होगा इसके लिए हम यहां पे कस्टम सॉर्ट में और यहां से मंथ और यहां आपको दिख रहा होगा ए टू जेड रिजेक्टिव, यहां कस्टम लिस्ट में चला जाता। कस्टम लिस्ट में मैं यहां पे जैन फैब सेलेक्ट किया एंड ओके, ठीक है क्लियर है डाउट इसमें। इस तरह से नेम को भी करना है तो आप कस्टम फॉर्मेट में खुद की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे नेम ले लिया मैंने पीएनपी और यहाँ कस्टम लिस्ट में, यहाँ न्यू लिस्ट में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया अपना सिलेक्ट कर लिया पूजा पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो पहले पूजा आएगा फिर मोहन आएगा कविता आएगा, तो शॉर्टिंग फिक्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। समझे सर? ठीक ओके सर, आ गया सर। अब कभी कभी क्या हुआ है कि हम कुछ हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से कलर कर, अब मैं चाहता हूँ जितने भी मैंने कलर किए हैं ना ये सारे कलर वाले जो ऑप्शंस है ये आपका ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम जाएंगे कस्टम शेड, इसमें यहाँ पे कस्टम शॉट, यहाँ हमने क्वांटिटी को लिया, यहाँ पे यहाँ सेल वैल्यू दिख रहा है, इस सेल वैल्यू में मैंने यहाँ पे सेल कलर लिया और यहाँ पे चूज किया येलो कलर ऑन द टॉप ऑन द बॉटम, देन ओके किया। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा ऊपर, आ गया क्लियर है, इसे कोई दिक्कत? सॉर्टिंग यही तो फायदा है कि ए जहां भी आपका मतलब कि अगर पूजा बहुत जगह पे होगा यहाँ पूजा इकट्ठा हो, इसके सामने वाला ब्लैंक है ओ या इसके बीच में? हाँ तो वो तो आएगा सर, उसमें थोड़ी क्या नहीं आएगा, तो आएगा। देखिए जब भी शॉर्ट सुन सुनो सुनो सुनो, जब भी शॉर्ट होगा ना ये पूरा का पूरा रो ऊपर नीचे जाएगा,
पूजा से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, पूजा के सामने नंबर है तो नंबर हाँ जाएगा, ब्लैंक से तो ब्लैंक चल जाएगा। समझे? नहीं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब कि दो दो के मतलब। नहीं तो बना रहेगा ऐसे तो नहीं रख जाएगा, अच्छा ये इसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो होगा ना, नहीं सिलेक्ट किया तो नहीं आएगा। वो अलग चीज, लेकिन सिंपल इस बात समझ जाइए कि एक हमेशा जो है ये पूरा का पूरा रो उठ के आएगा, ध्यान है, ये पूरा का पूरा क्या उठ के आएगा, रो उठ के आएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि मैंने कंडीशनल कन्वर्टिंग में आइकन लगा रखा है यहाँ पे, यहाँ पे आइकन सेट में गया और मैंने यहाँ पे आइकन लगाया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ सारे टिक वाले ऊपर है, ठीक है, तो आप कंडीशनल कन्वर्टिंग के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाए, यहाँ मैंने एमआरपी ले लिया और यहाँ पे कंडीशनल कन्वर्टिंग आइकन पर टिक करके अंदर ड्रॉप कर, ठीक है, तो ये आपके एक उसके ऊपर भी आए, ठीक है, तो दिक्कत इसमें। तो सॉर्टिंग में ये आपने समझा इसको चीज, राइट। अब सॉर्टिंग में एक चीज और समझिए, हम लेफ्ट टू राइट भी शॉपिंग कर सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे मैंने पूजा नहीं यहाँ पे सेल लिखे मंथ, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे जानकारी होता है, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स में देते हैं। अब मुझे जो सॉर्ट करना है ना सर, वो सॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट, क्या सॉर्ट करना है, लेफ्ट टू राइट, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आता है कस्टम सॉर्ट, ठीक है, कस्टम सॉर्ट में आप यहाँ पे ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट, क्या सिलेक्ट कीजिए, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो यहाँ पे रो नंबर वन दे दीजिए और ए टू जेड कर दीजिए, शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट जो होता है इसी तरह से होता है, ठीक है, तो दिक्कत इसमें। तो समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आता है कि इससे रिलेटेड कोई रियल टाइम एग्जांपल इसमें बेनिफिट हो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते क्या था?
एग्जाम्पल सोच रहा था। चलिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे इसी डेटा को लेते हैं, राइट, और इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देते हैं। इस डेटा को मान लीजिए 100 तक लेवल कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे क्या है कि इस डेटा में हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, ठीक है, और एक ब्लैंक रो के बाद इंसर्ट करना है। तो मैनुअल करेंगे तो टाइट होगा, मैनुअल करूंगा तो प्रॉब्लम होगा क्या? तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे हम एक वन बाय वन अगर मैनुअल इस तरह से करें तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैसे करें, इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर ऐड करेंगे 1 2, ठीक है, सीरियल में ऐड कर दिया। अब इसको नीचे की तरफ कॉपी करके नीचे की तरफ ड्रैग करें, ठीक है, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेथड क्या है, जब मैं वन सेल नंबर को सॉर्ट करूंगा तो ए वन और नीचे का वन इकट्ठा हो जाएगा क्या? इकट्ठा हो जाएगा ना सर? और जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये हमेशा क्या करके लेता है, ये हमेशा पूरी की पूरी रो उठ के आता है, ये पूरा रो उठ के आएगा ना, तो यहाँ पे हम कस्टम सॉर्ट और यहाँ पे जाते हैं सबसे लास्ट में सीरियल नंबर एन हो गया। और तरीके हैं, देखिए बेटर है, सबसे बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एक एक ब्लैंक, मान लीजिए कि आपको इसी तरह से बहुत सारे ब्लैंक वाले डेटा आ रहे हैं। अब इस सारे ब्लैंक वाले डेटा को मुझे रिमूव, ब्लैंक को रिमूव करना है, क्या करना है, सारे के सारे ब्लैंक को रिमूव करना है। कैसे करें, सारे के सारे ब्लैंक रिमूव कैसे करें, क्योंकि यहाँ भी एक एक करके रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है? तो कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सॉर्टिंग का इस्तेमाल करें, ये जो 1 2 इसको हटा देंगे, मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अब कुछ लोग इसको फिल्टर करके फिर रिमूव करते हैं, लेकिन मैं फिल्टर करके रिमूव करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फिल्टर करके रिमूव करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पीछे डेटा डिलीट होने पे हैंग हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
क्या करें इसके लिए, ये तो इसके लिए शॉर्ट करेंगे यहाँ पे कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में यहाँ मिस आईडी को लेते हैं, तो ये कि किसी एक फील्ड को लेकर ओके कीजिए, इसमें आपका ब्लैंक डिलीट नहीं हुआ, ब्लैंक रो डिलीट नहीं हुआ, क्या हुआ नीचे चला गया, ब्लैंक रो कहाँ चला गया सर, नीचे चला गया। तो इसे एक बेनिफिट हुआ, क्योंकि अगर 10-20 हजार लाख का डेटा होगा आप डिलीट करने जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बताया, ठीक है। तो देखा इसमें तो सॉर्टिंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो सॉर्टिंग से क्या समझे आप? जी हाँ, तो डेटा को अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, इसके लिए मैंने बताया ना कि इसके लिए आप कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें कस्टम फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसके लिए कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल। नहीं बस समझा, बस आपकी वेट कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर का, फिल्टर जानते हैं फिल्टर क्या करते हैं? जी हाँ, फिल्टर का यूज होता है कि हमें अपने हिसाब से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अपने हिसाब से डेटा को फिल्टर कर सकते, जैसे मान लीजिए डेटा है उसमें से मुझे पर्टिकुलर कुछ डेटा चाहिए, मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो मान लीजिए इसमें से बोला गया कि भाई पूजा का डेटा दिखाओ कितना है, तो हम क्या करेंगे फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे पूजा को सिलेक्ट कर। कई बार लिस्ट बहुत बड़ा होता है, हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पूजा, ठीक है ना, आ जाए, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर मान लीजिए फिल्टर लगा, कैसे पता चलेगा इसमें फिल्टर लगा, दो तरीके, पहला ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखा है सर ये ब्लू कलर का, दूसरा जिस पे लगा होगा फिल्टर का साइन, इसे फिल्टर का साइन है, इसका मतलब है कि वहां पे फिल्टर है, क्लियर करना है तो इसका क्लिक कर सकते हैं। और हम कई सारे फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे मुझे बिहार के अंदर, या मान लीजिए बिहार के अंदर मुझे सिलेक्ट करना है एक्सेल कोर्स को, तो हमने एक्सेल कोर्स सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, इस तरह से मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मुझे मान लीजिए जैन जैन सिलेक्ट करना है,
जैन को सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो हाँ आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें एक चीज और आता है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंडीशन, जैसे कंडीशन मार्टिंग में कंडीशन लगाया ना, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बिगेन विद एंड विद कंटेन डज नॉट कंटेन, या एक से दो ज्यादा कंडीशन लगाना हो तो कस्टम फिल्टर में आप एंड और का इस्तेमाल करके लगा सकते, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर है तो उसमें आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जैसे टॉपिक्स यहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें, इसमें डेट है तो डेट पे आपको इस तरह से डेट, पहले तो ईयरली आ जाएगा, ईयरली मंथली इस तरह से कंबाइन होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आप इक्वल पर्टिकुलर डेट, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमोरो, टुडे, देन यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, दिस, ये सारे सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल डेट पीरियड्स में क्वार्टर वन किया, तो अगर दो डेटा का 3 साल का है तो क्वार्टर वन आ जाएगा, या क्वार्टर टू आ जाएगा, या क्वार्टर थ्री आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर सकते, तो एक डेट फिल्टर होता है। दूसरी चीज, अगर मान ली फिल्टर डेटा आप कॉपी कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ फाइनल सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिर्फ सिलेक्ट करें विजुअल सेल्स ओनली, इससे आपका पीछे का डेटा जो है ना वो हाइड नहीं है, पीछे का डेटा जो हाइड है ना वो यहाँ पे कॉपी नहीं है, ठीक है। इसके मैं ये बता रहा था आपको कि कभी कभी क्या होता है, जब हम कॉपी करते हैं ना तो पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाता है, बहुत बड़ा डेटा हो पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाएगा। जी जी ठीक है। जी, क्लियर है, कोई तो दिक्कत इसमें नहीं। चलो ये हमारी सॉर्टिंग एंड फिल्टर खत्म हो गई, कल से हम प्योर टेबल शुरू करेंगे।